महापुरुषों को नमन करते हुए आप सभी भजन साथियों को जय भीम नमो बुद्धाय करता हूँ। और एक बाबा रविदास की गीत आप लोगों के बीच में जा रही है, मुझे यकीन है ये गीत आप लोगों को बेहद पसंद आएगी। हमारे संतों ने, गुरुओं ने, महापुरुषों ने जो आंदोलन को चलाया अपने समय में, बाबा रविदास ने उस आंदोलन को चलाया और अपने बहुजन समाज को जगाने का काम किया, लेकिन जगाते कैसे थे, क्या कहते थे, कहला कि अरे बहुजन अपन चेताना जगाला, बहुजन अपन चेताना जगाला, कोहे रविदास के निराला, उस समय छुआछूत अपने चरम सीमा पर था और हमारा समाज अपने को छोटा महसूस करता था, अछूत महसूस करता था, शूद्र कहा जाता था हम लोगों को। लेकिन बाबा रविदास ने आंदोलन चलाया और कहा कि नहीं, कोई जन्म से ऊंचा नहीं होता और कोई जो जन्म से नीचा नहीं होता। अपने दोहे में रविदास भक्त ने कहा, रविदास जन्म के कारण होत न कोई नीच, नर को नीच करी डारी है ओछी कर्म के की। कहते हैं बाबा रविदास, अरे जन्म जाति बड़ा धन धर्म से न कोई, जन्म से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस जाति में जन्म को लेते हो। इसलिए अरे कर्म ही जग में पुजाला, कर्म ही जग में पुजाला, कहे रविदास के निराला। बाबा रविदास के आंदोलन को बहुत लोग भक्ति का आंदोलन बताते हैं, कहते हैं कि बाबा भक्ति का आंदोलन कर रहे थे, लेकिन नहीं, बाबा रविदास ने विद्रोही आंदोलन किया। अपने समय में जो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने आंदोलन छेड़ा, वही अपने समय में बाबा रविदास करते थे। गोस्वामी तुलसीदास ने अपनी चौपाई के अंदर लिखा कि पूजहि विप्र गुण ज्ञान बिन हीना, न पूजहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीणा। लिखते हैं तुलसीदास की ब्राह्मण चाहे विद्याहीन हो, चरित्रहीन हो, चाहे कितनी भी बुराई हो, लेकिन जन्म से वो श्रेष्ठ है, इसलिए वो पूजने के योग्य है। उसके विरोध में बाबा रविदास लिखते हैं कि ब्राह्मण मत पूजे जो होत गुणहीन, पूजे चरण चंडाल के जो होत गुण प्रवीण। बाबा रविदास कहते हैं कि इंसान को बस इसलिए नहीं पूजा जाना चाहिए कि वो जन्म से ऊंचा है, उसका कर्म महान होना चाहिए। अगर अच्छे कर्म चंडाल में हो तो उसका चरण पूज लो, वो उचित है। कहते हैं क्या, अरे पूजा चंडाल हो गुण में प्रवीण हो, कहते हैं कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सभी को अन्न,
छोटा बड़ा सब सम बसे, रविदास रहे प्रसन्न। कहते हैं करे राज समाज ऐसन हो कैसा सनावा, बराबर छोटा बड़ा सबके मिल है भोजनवा, रविदास चाहे सबकर भाला, स्वीकार नहीं करेंगे, अपनी गुलामी के प्रति आवाज को उठाओ, अपनी आवाज को बुलंद करो। कहते हैं कि पराधीनता पाप है जान लेहुरे मीत, रैदास दास प्राधीन से कौन करे है पी। कहते हैं कि गुलामी एक पाप के समान है और गुलामों से कोई प्रेम नहीं करता, इसलिए गुलामी मत करो, आजादी की तरफ बढ़ो। कहते हैं क्या, अरे कारण गुलामी संत कहे रविदास हो, अगर हम चलेंगे और ये देश जिस परिस्थिति की तरफ बढ़ रहा है, धीरे धीरे जो हालात चल रहे हैं, अगर हम अपने महापुरुषों की बातों पर नहीं चले, उनको फॉलो नहीं किए, तो दिन दूर नहीं कि हम अपने आने वाली पीढ़ियों को गुलामी सौंप कर जाएंगे। कहना है क्या, अरे बाबा रविदास जवन रही आज खवला।